इस बार देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह जो दोनों एक ही दिन होते हैं, इसका मान 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों दिन है। चूंकि 14 नवंबर को सूर्योदय से एकादशी की तिथि नहीं थी, इसलिए तुलसी विवाह 15 नवंबर को किया जा रहा है। पुराणों के अनुरूप 4 महीने के शयन के बाद विष्णु जी आज ही के दिन योग निद्रा से उठते हैं और इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन से विवाह एवं मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह का सही समय और पूजन विधि क्या हो। दरअसल सोमवार को दोपहर 1:02 से 2:44 तक तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा शाम को 5:17 से 5:41 तक भी पूजन का मुहूर्त है। आप इन दोनों मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह की पूजन विधि क्या हो, जिससे भगवान विष्णु और माँ तुलसी का आशीर्वाद आप सबको मिले। सबसे पहले चौकी पर तुलसी का पौधा स्थापित करें और दूसरी ओर चौकी पर ही शालिग्राम रखें। इनके बगल में एक जल भरा कलश रखें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़कें, रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। अब माँ तुलसी को सुहाग का प्रतीक, लाल चुनरी, चूड़ियां आदि चढ़ाएं। कुछ लोग श्रृंगार का पूरा सामान तुलसी जी को अर्पित करते हैं। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर परिक्रमा करें और आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी में प्रसाद जरूर वितरित करें। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने का फल कन्यादान के बराबर होता है और व्यक्ति के जीवन की परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी तुलसी विवाह करने से दूर होती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।